दोस्तों आप सब कंप्यूटर और लैपटॉप का जरूर यूज करते होंगे, क्या आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव में ही क्यों होता है, या सी ड्राइव ही क्यों होता है, या सी ड्राइव से ही स्टार्ट क्यों होता है, क्यों ए या बी ड्राइव नहीं होता है? तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपिक तनवीर में। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों आपको कभी पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप चलाने का मौका मिला? अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, अगर मौका मिलता है तो उसको जरूर देखें पुराने कंप्यूटर को। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब किसी भी कंप्यूटर में क्यों सी ड्राइव से ही कोई भी ड्राइव या वॉल्यूम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जब पहली बार कंप्यूटर को बनाया गया तो उसके अंदर ड्राइव नहीं होते थे, कोई भी हार्ड डिस्क नहीं होती थी। तो डाटा को स्टोर करने के लिए इवन कंप्यूटर को चालू और बंद करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। तो जो दोस्तों जो फ्लॉपी डिस्क लगती थी जो शुरू में आई थी वो 5.5 इंच का होता था। जो उस जब फ्लॉपी डिस्क को लगाते थे तभी कंप्यूटर ऑन और ऑफ होता था। जो पहले फ्लॉपी डिस्क लगती थी वह जो है वह ए ड्राइव का स्थान लेता था। उसके बाद 3.5 इंच की आई, 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क आया। उसके बाद 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क आया जो कि बी ड्राइव का स्थान लेता था। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो डाटा स्टोरेज के लिए बहुत ही नगण्य था, मतलब डाटा स्टोर उसमें बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था और उसमें सिक्योरिटी की कमी थी, मतलब डाटा जो है कभी भी इरेज हो सकता था और बहुत ही कम डाटा स्टोर होता था। इसलिए फ्लॉपी डिस्क का दौर जो है खत्म हो गया। और बात आती है 1980 के बाद की, 1980 के बाद का जब दौर आया तब हार्ड डिस्क का निर्माण किया गया, तब से कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क लगाए जाने लगे और अधिक से अधिक डाटा स्टोर होने लगा और फ्लॉपी डिस्क जो है वो उसके दिन लग गए, वो खत्म हो गया, अब फ्लॉपी डिस्क का उपयोग नहीं होता है। तभी से कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव डी ड्राइव जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव और डी ड्राइव से ही शुरू होता है क्योंकि ए और बी का स्थान फ्लॉपी डिस्क लिया करते थे। इसलिए आज भी कंप्यूटर में जब भी हम लोग विंडोज या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर सी ड्राइव ही डी ड्राइव से ही शुरू होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप आज भी केवल और केवल सी ड्राइव ही, जब भी आप देखते हैं सी ड्राइव डी ड्राइव या सी वॉल्यूम डी वॉल्यूम, अगर आप चाहें तो मैनुअली सी ड्राइव या डी ड्राइव को आप ए या बी ड्राइव नाम रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि किसी भी ड्राइव का नाम कैसे चेंज करते हैं या ड्राइव का पाथ कैसे चेंज करते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम इस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।